नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूँ पारुल त्यागी। हिंदी गीतों की दुनिया में कई मौसम आए और कई चले गए, लेकिन रफी का मौसम आज भी जवां है। वो सदाबहार थे, सदाबहार हैं और आगे भी रहेंगे। हिंदी सिनेमा के गीत संगीत की जब भी बात होगी, रफ़ी उसमें हमेशा अव्वल नंबर पर रहेंगे। शहंशाह ए तरन्नुम मोहम्मद रफ़ी पर विशेष पेशकश देखिए। उड़न खटोला नाम जिसने भी सुना होगा, उसने सिर्फ उसमें बैठकर घूमने की हसरत जरूर पाली होगी, क्योंकि उड़न खटोला सिर्फ उड़ने का नाम नहीं बल्कि एक ऐसी फिल्म का नाम है जिसके गीतों को अपनी सुरीली आवाज में पिरोया एक ऐसे शख्स ने जिनका नाम जुआ पर आते ही बड़े बुजुर्ग की जिंदगी में भी सुरीले अफसाने फूटने लगते हैं। हम तो भी साथ ले ले रे, हम तो भी साथ ले। इस सुरीली आवाज को सुनकर हर कोई किसी भी उम्र में गुनगुनाने लगता है, लेकिन इसके पीछे की भी एक टीस कहीं ना कहीं मोहम्मद रफी के गानों को हर दीवाने को कहीं ना कहीं जरूर झंझोड़ती है। वो टीस ये है कि लता मंगेशकर को भारत रत्न, मोहम्मद रफी को क्यों नहीं। अक्सर ये सवाल शहंशाह ए तरन्नुम मोहम्मद रफी के चाहने वाले पूछते हैं, लेकिन इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है। भारत रत्न तो छोड़िए, सरकार ने उन्हें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के लायक भी नहीं समझा, जबकि उनसे कई जूनियरों को ये पुरस्कार मिल चुका है। गायकी के क्षेत्र में मन्ना डे, पंकज मलिक, लता मंगेशकर और आशा भोसले उनसे पहले ये पुरस्कार हासिल कर चुके हैं। मोहम्मद रफी के गाने और उनकी शख्सियत किसी भी तरह अपने समकालीन गायकों से कमतर नहीं, बल्कि कई मामलों में तो उनसे 21 ही साबित होगी, चाहे मोहम्मद रफी के गाय वतन परस्ती के गीत ही क्यों ना हो। इस शानदार गायक ने इन गीतों में जैसे अपनी जान ही फूंक दी है, दिल की अटल गहराइयों से उन्होंने इन गानों को गाया है। इतना ही नहीं, जनवरी 1948 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या के बाद जब उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए उन्होंने सुनो सुनो ए दुनिया वालों बापू की ये अमर कहानी गीत गाया, तो इस गीत को सुनकर देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की आंखें भी नम हो गई थीं। बाद में उन्होंने रफी को अपने घर पर बुलाया और उनसे वही गीत गाने की फरमाइश की। पंडित नेहरू उनके इस गाने से इतना मुतासिर हुए कि स्वतंत्रता दिवस की पहली वर्षगांठ पर उन्होंने रफी को रजत पदक देकर सम्मानित किया। रफी को कई सम्मान पुरस्कार मिले, दुनिया भर में फैले उनके प्रशंसकों ने उन्हें ढेर सारा प्यार किया, लेकिन पंडित नेहरू द्वारा दिए गए इस पदक को वो अपने लिए सबसे बड़ा सम्मान मानते थे। फिल्मी दुनिया के अपने 3.5 दशक के करियर में रफी ने देश दुनिया की अनेक भाषाओं में हजारों गीत गाए और गीत भी ऐसे ऐसे लाजवाब कि आज भी इन्हें सुनकर लोगों के कदम वहीं ठिटक कर रह जाते हैं। उनकी मीठी आवाज जैसे कानों में रस खोलती है, दिल में एक अजब सी कैफियत पैदा हो जाती है। मोहम्मद रफी को गुजरे आज 4 दशक हो गए, लेकिन इतने लंबे अरसे के बाद भी उनके जैसा कोई दूसरा गायक नहीं आया। वैसे तो हिंदी संगीत की दुनिया में कई मौसम आए और गए, लेकिन मोहम्मद रफ़ी का मौसम आज भी जवां है। वो सदाबहार थे, सदाबहार हैं और सदाबहार रहेंगे। फिल्मी दुनिया में जब भी गीत संगीत की बात हो तो मोहम्मद रफ़ी अव्वल नंबर पर आएंगे। 31 जुलाई 1980 के दिन ये सदाबहार फनकार हमसे हमेशा के लिए जुदा हो गया था। जब उनका इंतकाल हुआ उस दिन बंबई में मूसलाधार बारिश हो रही थी। इस बारिश के बावजूद अपने महबूब गुलुकार के जनाजे में शिरकत करने के लिए हजारों लोग सड़कों पर उमड़ पड़े थे और इन्हें रोते सिरकते अपनी आखिरी विदाई दी। हिंदुस्तान सरकार ने उनके एहतराम में 2 दिन के राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया। हिंदी सिनेमा में प्लेबैक सिंगिंग को नया आयाम देने वाले रफी 24 दिसंबर 1924 को अमृतसर के पास कोटला सुल्तान सिंह में उनका जन्म हुआ था। उनके परिवार का संगीत से कोई खास सरोकार लगाव नहीं था। रफी ने खुद इस बात का जिक्र अपने एक लेख में किया था। उर्दू के मकबूल रिसाले शमा में प्रकाशित इस लेख में उन्होंने लिखा, मेरा घराना महज परस्त था, गाने बजाने को अच्छा नहीं समझा जाता था। मेरे वालिद हाजी अली मोहम्मद साहिब निहायत दीनी इंसान थे, उनका ज्यादा वक्त यादें इलाही में गुजरता था। मैंने 7 साल की उम्र में गुनगुनाना शुरू कर दिया था। जाहिर है कि ये सब मैं वालिद साहब से छिप छिप कर किया करता था। दरअसल मुझे गुनगुनाने या फिर खेलन दे दिन चरानी माए
खेलन दे दिन चार ये गीत गाकर वो लोगों को दावते हक दिया करता था। जो कुछ वो गुनगुनाया करता था मैं भी उसी के पीछे गुनगुनाता हुआ गांव से दूर निकल जाता था। जानिब इस दीवानगी और जुनून को देखते हुए ये कहते हुए दुआ की ये लड़का आगे चलकर खूब नाम कमाएगा। साल 1935 में मोहम्मद रफी के अब्बा गम में रोजगार की तलाश में लाहौर आ गए। मोहम्मद रफी की गीत संगीत की चाहत यहाँ भी बनी रही। मोहम्मद रफी की गायकी को सबसे पहले उनके घर में बड़े भाई मोहम्मद हमीद और उनके एक दोस्त ने पहचाना। इस शौक को परवान चढ़ाने के लिए उन्होंने रफी को बकायदा संगीत की तालीम दिलाई। उस्ताद अब्दुल वाहिद खान, उस्ताद उस्मान, पंडित जीवन लाल मट्टू, फिरोज निजामी और उस्ताद गुलाम अली खान जैसे शास्त्रीय संगीत के दिग्गजों से उन्होंने गीत संगीत का कहकरा सीखा। राग रागनियों पर अपनी कमान बढ़ाई जो आगे चलकर फिल्मी दुनिया में उनके बहुत काम आई। आलम ये था कि मुश्किल से मुश्किल गाना वो सहजता से गा लेते थे। मोहम्मद रफी ने अपना पहला नगमा साल 1941 में महज 17 साल की उम्र में एक पंजाबी फिल्म गुल बलोच के लिए रिकॉर्ड किया था जो साल 1944 में रिलीज हुई। इस फिल्म के संगीतकार थे श्याम सुंदर और गीत के बोल थे सोनिये ने हीरिये ने। संगीतकार श्याम सुंदर ने ही रफी को हिंदी फिल्म के लिए सबसे पहले गाने का मौका दिया। फिल्म थी गाँव की गोरी जो साल 1945 में रिलीज हुई। उस वक्त भी हिंदी फिल्मों का मुख्य केंद्र बम्बई ही था, लिहाजा अपनी किस्मत को आजमाने मोहम्मद रफी बंबई पहुंच गए। उस वक्त संगीतकार नौशाद ने फिल्मी दुनिया में अपने पैर जमा लिए थे। नौशाद के संगीत से सजी अनमोल घड़ी वो पहली फिल्म थी जिसके गीत तेरा खिलौना टूटा से रफी को काफी शोहरत मिले। इसके बाद नौशाद ने रफी से फिल्म मेला का सिर्फ एक शीर्षक गीत गवाया, ये जिंदगी के मेले दुनिया में, जो सुपर हिट साबित हुआ। इसके बाद ही संगीतकार नौशाद और गायक मोहम्मद रफी की जोड़ी बन गई। इतिहास गवाह है कि इस जोड़ी ने एक के बाद एक कई सुपर हिट गाने दिए। शहीद, दुलारी, दिल दिया, दर्द लिया, दास्तान, उड़न खटोला, कोहिनूर, गंगा जमुना, मेरे महबूब, लीडर, राम और श्याम, आदमी, संघर्ष, पाकीजा, मदर इंडिया, मुगल ए आजम, गंगा जमुना, बाबुल, दास्तान, अमर, दीदार, आन, कोहिनूर जैसे अनेक फिल्मों में नौशाद और मोहम्मद रफी ने अपने संगीत गायन से लोगों का दिल जीत लिया। जिसमें भी साल 1951 में आई फिल्म बेजू बावरा के गीत तो नेशनल एंथम बन गए। खास तौर पर इस फिल्म के ओ दुनिया के रखवाले, सुंदर, मन तड़पत, हरी दर्शन को आज गानों में नौशाद और मोहम्मद रफी की जुगलबंदी देखते ही बनती है। नौशाद के लिए मोहम्मद रफी ने तकरीबन 150 से ज्यादा गाने गाए। उसमें भी उन्होंने शास्त्रीय संगीत पर आधारित जो गीत गाए उनका कोई मुकाबला नहीं था। एक दौर ये भी था कि मोहम्मद रफी हर संगीतकार और कलाकार की पहली पसंद थे। उनके गीतों के बिना कई अदाकार फिल्मों के लिए खामी ही नहीं भरते थे। फिल्मी दुनिया में मोहम्मद रफी जैसा वर्सेटाइल सिंगर शायद कभी ही हो। उन्होंने हर मौके, हर मूड के लिए गाने गाए। जिंदगी का ऐसा कोई भी वाक्य नहीं है जो उनके गीतों में ना हो। मिसाल के तौर पर शादी की सभी रस्में और बरखलों के लिए उनके गीत हैं। मेरा यार बना है दुल्हा, आज मेरे यार की शादी है, बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब, बाबुल की दुआएं लेती जा और चलो रे डोली उठाओ कहार, हीरो हो या कॉमेडियन, सबके लिए उन्होंने प्लेबैक सिंगिंग की लेकिन गायन की अदायगी अलग अलग थी। रफी के गीतों का ही जादू था कि कई अदाकार अपनी औसत अदाकारी के बावजूद फिल्मों में लंबे समय तक टिके रहे। सिर्फ गानों की बदौलत ही उनकी फिल्में सुपर हिट रहीं। रफी साहब के गाने का अंदाज भी निराला था। जिस अदाकार के लिए वो प्लेबैक सिंगिंग करते, पर्दे पर ऐसा लगता कि वो ही ये गाना गा रहा है। यकीन न हो तो भारत भूषण, दिलीप कुमार, शम्मी कपूर, देवानंद, गुरुदत्त, राजेंद्र कुमार, शशि कपूर, धर्मेंद्र, ऋषि कपूर और अदाकारों के लिए गाए उनके गीतों को ध्यान से सुनकर देखिए, आपको फर्क दिख जाएगा किस बारीकी से मोहम्मद रफी ने इन अदाकारों की एक्टिंग और उनकी पर्सनालिटी को देखते हुए गीत गाए हैं। रफी के लिए ये किस तरह से मुमकिन होता था, इस बारे में उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा था, किसी भी फनकार के लिए गाने की मुनासिबत से अपना मूड बदलना बहुत ही दुष्विचार अमल होता है। वैसे गानों में के बोल से ही पता चल जाता है कि गाना किस मूड का है, फिर डायरेक्टर भी उसमें पूरा सीन समझा देता है जिससे गाने में आसानी होती है। कुछ गानों में फनकार की अपनी भी दिलचस्पी होती है, फिर उस गीत का एक एक लफ्ज दिल की गहराइयों से छू कर निकलता है। मोहम्मद रफी की जिंदगी में एक दौर ऐसा भी आया था जब वो कुछ अरसे के लिए फिल्मों से दूर हो गए थे।
वजह साल 1971 में रफी साहब हज पर गए थे। जब वो वहां से लौटने लगे तो कुछ मौलवियों और उलेमाओं ने उनसे कहा, अब आप हाजी हो गए हैं, लिहाजा आपको फिल्मों में नहीं गाना चाहिए। मोहम्मद रफी ये बात मान भी गए और वाकई देश में लौटकर उन्होंने गाने गाना बंद कर दिया। उनके इस फैसले से उनके चाहने वालों को बड़ी निराशा हुई। सभी ने उनसे मिन्नतें की कि वो गाना गाना दोबारा शुरू कर दे। आखिरकार नौशाद साहब ने उन्हें समझाया, गाना छोड़कर गलत कर रहे हैं मियां, ईमानदारी का पेशा कर रहे हो, किसी का दिल नहीं दुखा रहे, ये भी एक इबादत है, अब बहुत हो गया, अब गाना शुरू कर दो। तब रफी साहब ने फिर से गाना शुरू किया। अपनी इस वापसी के बाद रफी ने हम किसी से कम नहीं, यादों की बारात, अभिमान, बैराग, लोफर, लैला मजनू, सरगम, दोस्ताना, अदालत, अमर अकबर, एंथनी, कुर्बानी और कर्ज जैसी कई फिल्मों में गीत गाए। मोहम्मद रफी अपने पेशे के लिए बहुत ही समर्पित इंसान थे। शोहरत की बुलंदियों को छूने के बाद भी कभी कोई बुरा शौक उन्हें कभी नहीं छू पाया। फिल्मों में तरह तरह के गीत गाने वाले रफी अपनी आम जिंदगी में कम ही बोलते थे। रफी इंटरव्यू और फिल्मी पार्टियों से दूर रहा करते थे। हसमुख और दरिया दिली ऐसे कि हमेशा सबकी मदद के लिए तैयार रहते थे। कई फिल्मी गीत उन्होंने बिना पैसे के लिए या बेहद कम पैसे लेकर गाए थे। मोहम्मद रफी ने सैकड़ों फिल्मों के लिए गाने गाए, लेकिन खुद उन्हें फिल्में देखने का बिल्कुल शौक नहीं था। परिवार के साथ कभी उनकी जिद पर कोई फिल्म देखने जाते तो फिल्म के दौरान सो जाते थे। हिंदी सिनेमा के प्रतिष्ठित पुरस्कार फिल्म फेयर अवार्ड के लिए उन्हें 16 बार नॉमिनेट किया गया और 6 बार उन्हें ये पुरस्कार मिला, जिसमें भी साल 1961, साल 1977, साल 1980 में उनके एक से ज्यादा गाने इस पुरस्कार के लिए नॉमिनेटेड थे। रफी के यादगार गाने चौधवी का चांद हो तुम, तेरी प्यारी प्यारी सूरत को चाहूंगा मैं तुझे, सांझ सवेरे बहारों फूल बरसाओ, दिल के झरोके में तुझको बिठाकर, क्या हुआ तेरा वादा के लिए ही रफी को पहली बार सर्वश्रेष्ठ गायक का राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला। 1965 में उन्हें भारत सरकार ने पद्मश्री के पुरस्कार से नवाजा। साल 1980 में अपनी मौत से ठीक 2 दिन पहले मोहम्मद रफी ने फिल्म आसपास के लिए आखिरी गाना रिकॉर्ड किया था। महज 55 साल की उम्र में मोहम्मद रफी इस दुनिया से रुखसत हो गए। इस अजीम फनकार की मौत पर उन्हें अपनी खिराज हकीकत पेश करते हुए संगीत के सिरमौर नौशाद ने क्या खूब कहा था, कहता है कोई दिल गया, दिलबर चला गया, साहिर पुकारता है समंदर चला गया, लेकिन जो बात सच है कहता नहीं कोई, दुनिया से मौसीकी का पैगंबर चला गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वर्ल्ड इंडिया। इस खास पेशकश में बस इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।